हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर करने वाली हूं। आज मैं स्वाति भामरा इंस्पायर्ड मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। उन्होंने अपने एक वीडियो में जिस तरीके का मेकअप किया था, उसी तरीके का मेकअप करके मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें और देखें कि मैं स्वाति भामरा दी की तरह लग रही हूं या नहीं लग रही हूं। तो गाइज, यहाँ पे मैं वही चीज़ें यूज़ करूँगी जो दी ने अपने उस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए किया, बट उनके प्रोडक्ट अलग थे, मेरे प्रोडक्ट अलग हैं। तो मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि मैं जिस तरीके का मेकअप लुक उन्होंने क्रिएट किया है, उस तरीके का मैं भी कर पाऊँ। सो सबसे पहले उन्होंने अपने फेस को वॉश करके एक क्लीन कर लिया था, तो यहाँ पर मैं भी एक वाइप्स की मदद से अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। फेस वॉश मैंने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे सीरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि उन्होंने भी किया था, बट उन्होंने पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था। मैंने मॉइस्चराइज़र को स्किप कर लिया है, यहाँ पे मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ और सीरम को मैं अपने फेस पे अच्छे से लगा लूँगी। सीरम को लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये है एसक्यू का प्राइमर। तो प्राइमर मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लूँगी, थोड़ी सी ही मैंने इसकी क्वान्टिटी ली है, उसे मैं अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद उन्होंने कंसीलर लगाया था, जहाँ पे भी उनको डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है वहाँ पे कंसीलर लगाना है। तो यहाँ पे मैं भी कंसीलर को अप्लाई कर रही हूँ, जो जो भी मेरे डार्क स्पॉट की जगह है, जहाँ पे मुझे ये चाहिए कि मुझे इसे हाइड करना है, तो मैं वहाँ वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो कंसीलर को अप्लाई करने के लिए मैं अपने फिंगर की ही मदद ले रही हूँ, आज मैं ब्यूटी ब्लेंडर की बिल्कुल भी हेल्प नहीं लूँगी। और अब मैं कंसीलर को एक ब्रश की हेल्प से सेट कर लूंगी। गाइस, अभी मैं अपने आईब्रो को सेट करूंगी, तो मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल ले ली है। सो सबसे पहले मैं अपने आईब्रो को सेट करूंगी इस ब्रश की हेल्प से। इससे हमारे जो भी मतलब आईब्रो के हेयर होते हैं वो एकदम सेट हो जाते हैं। तो मैंने पहले इसे सेट किया है, उसके बाद मैंने अपने आईब्रो पेंसिल लगाई हुई है। और उसके बाद मैं फिर एक ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूंगा। और मैं अब फिर से कंसीलर लेके अपने आईलेट के ऊपर लगा लूंगी, ताकि जो मेरा मतलब आई मेकअप हो वो बहुत अच्छा लगे। तो इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है, ताकि जो मेरा कंसीलर लगाया हुआ है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद गाइस, मैंने अपने आई शेडो से ये क्रीमी कलर चूज किया है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आईलेट पे और अपने आई पे क्रीमी कलर ही अप्लाई करूंगी। इससे जो हमारा आई मेकअप का बेस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और गाइस, अब मैंने यहाँ पे एक काजल ले लिया है और इस काजल को मैं अपने आईलेट पे अच्छे से लगा लूंगी। और इस काजल को लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, जो कि स्वाति दी ने भी किया था, सेम उसी प्रोसेस से मैं भी कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने येलो कलर चूज कर लिया है, येलो कलर को मुझे लगाना है ताकि जो मेरा आई मेकअप हो वो उभर के आए। तो यहाँ पे मैं लाइट येलो कलर ले रही हूँ। मुझे ये येलो कलर अपने आईलेट पे नहीं लगाना है, यानी कि जहाँ पे मैंने काजल से किया हुआ था वहाँ पे मुझे नहीं लगाना है, जस्ट उसके ऊपर लगाना है और ऊपर की साइड को लगाना है, ना कि नीचे की साइड को। इससे हमारा जो नीचे आईलेट पे जो भी हमने कलर दिया हुआ है वो खराब हो सकता है। और गाइज, अब मैं अपने आई पैलेट से ग्रीन कलर चूज कर रही हूँ और इस ग्रीन कलर को मैं अपने आईलेट पे ही लगाऊंगी, ऊपर तक नहीं लगाऊंगी, बस आईलेट पे ही मुझे इसे लगाना है। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे अपने आंखों पे काजल लगाऊंगी और अपने ये आई के जो अंडर
लाइन है वहाँ पे भी मैं काजल लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइज वहाँ पे काजल लगाना, मेरे से तो बड़ी मुश्किल से लगा पाई मैं। उसके बाद गाइज आप लोग देख सकते हैं मैं अपनी आंखों पे काजल लगा रही हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ और आप लोग देख सकते हैं मेरे आंखों से आंसू आ गए हैं, क्योंकि काजल लगाते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, इसलिए मैं काजल नहीं लगाती हूँ। बट स्वाति जी ने काजल लगाया था तो इसलिए उनके लुक को क्रिएट करने के लिए मुझे काजल लगाना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये हल्का सा ब्राउन कलर पिक किया हुआ है और इसको भी अपने आंखों के नीचे थोड़ा सा स्मच कर लूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर जो मैंने अपने आईलेट पे लगाया है उसे पिक किया हुआ है और हल्के से इसको भी स्मच कर लूँगी। तो अब मैं लगाने वाली हूँ मस्कारा। तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स सेल्स नहीं है तो मैं अपने ओरिजिनल ही फॉल्स पे मस्कारा लगा रही हूँ। काफ़ी सोच रही हूँ कि मेकअप लुक जब मैं क्रिएट करती हूँ तो उसकी मुझे ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि फॉल्स सेल्स से ही हमारी आँखें का जो मेकअप है ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। बट अभी मेरे पास है नहीं तो मैं क्या लगाऊँ, बट मैं बहुत जल्दी उन्हें भी परचेज कर लूँगी, यानी कि ले लूँगी अपने लिए, ताकि वो मेरे मेकअप लुक में काम आए। सो मैं फिर से कंसीलर ले रही हूँ। कंसीलर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो भी हमारा आई मेकअप में हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तो उसका मतलब कलर जो होता है नीचे हमारे फेस पे आ जाता है, तो इसलिए कंसीलर को मैं फिर से यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सो अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन और किसी क्रीम को मैं मिक्स करके लगाऊंगी। स्वाति जी ने फाउंडेशन नहीं लगाया था बट मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट जो है वो हाई ब्रांड के नहीं हैं और जिस तरीके का मुझे लुक चाहिए, यानी कि स्वाति जी की तरह जिस तरीके का मुझे लुक चाहिए वो नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन और सीसी क्रीम को ले रही हूँ और ब्रश की हेल्प से इसे अपने फेस पे अच्छे से सेट कर दूंगी। सो गाइस फाउंडेशन मेरा लग चुका है। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए। तो कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो अब बारी आती है हाईलाइट की। तो हाईलाइट को मैं अपने चिक बोन, अपने नोज, फोरहेड पे और अच्छे से लगा लूँगी। तो अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लिपस्टिक लिया हुआ है, ये रेड कलर का है। सो क्योंकि स्वाति जी ने जो ड्रेस पहनी है वो भी रेड है, उनकी लिपस्टिक भी रेड थी, बट मेरी जो ये ड्रेस है वो थोड़ी पिंक कलर की है, यानी कि आप गाजरी कलर बोल सकते हैं, रेड कलर का नहीं था, बट सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता उनकी जैसी ड्रेस है ये। सो यहाँ पे मैंने इस पे रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई, ये लिपस्टिक इस ड्रेस पे बहुत अच्छे से जा रही है। सो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है गाइज। अब मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल कर रही हूँ। हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस स्वाति दी ने अपने सारे बाल वन साइड किए हुए थे तो उसी तरीके से मैं अपने बालों को वन साइड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं इयर रिंग डाल रही हूँ। इयर रिंग मेरी थोड़ी डिफरेंट है, उनकी रेड इयर रिंग थी बट मेरे पास वैसे नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर की इयर रिंग पहन ली है। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी इसीलिए मैंने इस पर डाल दी है, क्योंकि ड्रेस के साथ ही मेरी मैच करी थी। और सो अब मैं अपने सारे बालों को वन साइड कर लूँगी और बालों को अच्छे से मतलब थोड़ा सा इनको घुमा के थोड़ा कर्ल कर लूंगी इन बालों को। वैसे मेरे ऑलरेडी कर्ल हैं बट थोड़ा सा ऐसे कर्ल कर लूंगी जैसे कि स्वाति दी के लुक से मेरा लुक थोड़ा बहुत मैच कर पाए। सो गाइज देख सकते हैं आप लोग, फाइनली मेरा लुक ये है। तो गाइज अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने डिटो स्वाति दी की तरह ही मेकअप लुक किया हुआ है तो कमेंट्स के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।